मेरा नाम रहीम शेख है, मैं दौलताबाद से सरपंच का उम्मीदवार हूँ। हमारे पैनल का नाम है सर्वधर्म संभाव परिवर्तन पैनल दौलताबाद। और हमारी यहाँ पे जो युवा की टीम बनी, नए युवा है पूरे सब, इसके लिए परिवर्तन नाम रखी हमने। और गांव का अच्छा प्रतिसाद है हमारे गांव को, लोगों को एक आशा है कि ये परिवर्तन होकर रहेगा और हम परिवर्तन करेंगे, गांव के विकास के लिए करेंगे, युवा को चांस देंगे। और हमारी सबकी सोच है कि भाई यहाँ पे समस्या हमारे दौलताबाद की ऐसी है कि मुझे बोलने शर्म आता है, दौलताबाद इतना बड़ा नाम है मगर हमारे कुछ राजकारणी किस्सों की वजह से ये पीछे रह गया। हम चाहेंगे यहाँ पे अभी हमें बोलने को नहीं आता, क्योंकि हमारे गांव का नाम हमको मुँह से बोलने नहीं आता कि भाई यहाँ पे डेढ़ महीने में दो महीने में पानी आता, ये सब चीज़ें है। तो हमको देखकर जो है ना, तो ये हम ना, तो ये कोई बात नहीं थी ऐसी कि भाई सीनियरों को चाना मतलब हटाकर नए लोगों को चाना आना करके, हमारा भी ये मकसद नहीं था। मगर ये जो चीज़ें है, कचरा पानी और तुम्हारे रोड डेनिस सब नाली वगैरह, तो ये सब देखकर हमको खड़े होना पड़ा पूरे नव युवा को। और हम चाहेंगे भाई पूरे नव युवा की शक्ति हमारे साथ में रहे, गांव हमारे साथ में रहे और आगे फिर हम जितना हो सके गांव के लिए अच्छा ही काम करिए। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय महाराष्ट्र। हमारे पैनल का नाम है सर्व धर्म समभाव परिवर्तन पैनल देवगिरी दौलताबाद। और हमारे 15 सदस्य हमारे लड़ रहे ग्राम पंचायत इलेक्शन, और हमारे 16वें सरपंच है। सरपंच है हमारे शबाना करीम शेख, और हमारी सरपंच की निशानी है छता सा पंखा। और मैं खुद 4 नंबर वार्ड के लिए खड़ा हुआ हूँ। और मेरा नाम है सैयद मतीन सैयद मुजीब, और मेरी निशानी है सिलाई मशीन। और मेरे साथ जो कैंडिडेट है सर्वसाधारण महिला में नूरजा मजीद शेख उर्फ मुन्नेवाजी, उनकी निशानी है गैस सिलेंडर। और मेरे साथ एक OBC आरक्षण था, तो इसके लिए हमारे साथ ये इंजीनियर लड़का है किशोर सोमनाथ यादव, इनकी निशानी है ऑटो रिक्शा। के परिवर्तन पैनल का साथ देकर भरघोस मतों से हमारे पूरे पैनल को चुन के, तो इंशाल्लाह जो भी रहे काम है इंशाल्लाह हम पूरे करेंगे। हाँ नमस्कार सर्वांना, माझे नाव किशोर सोमनाथ यादव, मी वार्ड नंबर 4 उमेदवार आहे। आमच्या पॅनलचे नाव आहे ग्राम विकास परिवर्तन पॅनल। तो परिवर्तन पॅनल याने पूर्ण गावामध्ये एक परिवर्तन आणायचं आहे। पाठीमागच्या ज्या 30 वर्षामध्ये ज्या प्राथमिक गरजा आहेत, ज्या प्राथमिक गरजा नाही झालेल्या त्या प्राथमिक गरजा आम्ही यावेळेस करणार आहोत, जसे की रस्ते नाल्या पाणी म्हणा, आरोग्य म्हणा, शिक्षण म्हणा, त्यानंतर विधवा महिलांचे कामं म्हणा किंवा रोजगार बचत गट, अशा छोटे माध्यमातून आम्ही लोकांसाठी रोजगार निर्माण करणार आहे। तर आमचे परिवर्तन पॅनलचे 15 सदस्य आहे आणि एक सरपंच आहे। सरपंच आहे आमचे शेख शबाना करीम शेख, जे आमच्या जे लोकप्रिय आहे, जे सरपंच पदाचे दावेदार होते, रहीम भाई यांचे मिसेस आहे। आणि बाकीचे जे 15 मेंबर आहे त्यांच्या निशाणी आहे की एक जसे की शिला एक 4 निशाणी, एक फॅन आहे, दुसरी शिलाई मशीन आहे, तिसरी गॅस आहे आणि चौथी रिक्षा आहे। तर हे 4ही ज्या निशाणी याच्या गरजेच्या वस्तू आहेत, ज्या की आपल्याला घरात अत्यावश्यक वस्तू रोजच्या रोजच्या लागतात, कुठं जायला रिक्षा लागते। तर आमचं एकच गाववाल्यांना एकच विनंती आहे की पाठीमागचं जे झालं ते सोडून द्या, पण यावेळेस जे तरुण पिढी आहे, जे सुशिक्षित लोक आहे, ते सुशिक्षित प्लस अनुभवी लोक आहे, त्यांना भरघोस मताने तुम्ही निवडून द्या आणि गावात परिवर्तनाचे तुम्ही स्वतः साक्षीदार होशाल, याची तुम्हाला स्वतः साक्षीदार व्हा। आणि गावात आपल्याला परिवर्तन करायचं आहे, परिवर्तन करायचं आहे म्हणजे गावात आपल्याला प्रगती करायची, उन्नती करायची, गावाचा विकास करायचा आहे। गावामध्ये आवश्यक ज्या गोष्टी त्या सर्व काही करायच्या आहे। आम्ही 1-2 दिवसात आमचा जो जाहीरनामा आहे, जो वचननामा आहे, तो आपल्यासमोर ठेवत आहोत। ते वचननाम्यामध्ये आम्ही अशी वचनपूर्ती करणार आहोत की येणाऱ्या जर आमचं परिवर्तन पॅनल जर संपूर्ण बहुमताने किंवा मेजॉरिटीने निवडून आलं, तर येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये आम्ही गावातील कोणकोणती विकास कामे करणार आहोत या संदर्भात आम्ही थोडक्यात आपल्यासमोर त्या गोष्टी मांडणार आहोत। आणि हीच विनंती करतो की सर्व गावकऱ्यांना की आता नाही तर कधीच नाही, यावेळेस सर्व तरुण पिढीला एक संधी देऊन बघा, तो या संधीचं सोनं करून तुम्हाला आम्ही नाराज करणार नाही। आणि तुम्ही जे दिलेलं महत्त्वाचं मत आहे, त्या मताला आम्ही सार्थक असे कामं करून नक्कीच आपल्या गावाचं आणि सर्वांचं नाव आम्ही रोशन करू। लाला शेख रहमान है, मैं समाजसेवक है दौलताबाद का। समाजसेवक को देखते हुए जो है तो आज सर्वधर्म संभव परिवर्तन पैनल इनके तरफ से जो है तो मेरे को उम्मीदवारी मिली है। उम्मीदवारी मिलने का मतलब ये है, हमारे पैनल प्रमुख जो है सैयद कलीम भैया जिला परिषद सदस्य है, और सरपंच के लिए शबाना करीम शेख है, और सदस्य के वास्ते में पूरे 5 वार्ड में पूरे पैनल हमने खड़े करे हुए हैं। कलीम भैया के नेतृत्व के अंदर जो हमारे पैनल प्रमुख है सैयद कलीम भैया जिला परिषद सदस्य, उसके देखते हुए हमने पैनल खड़े करे हुए। सर आपका अगर पैनल अगर जीत के आ जाता है तो आप इस वार्ड के अंदर दौलताबाद गाँव के अंदर क्या काम करते हैं? सबसे पहली बड़ी समस्या हमारे यहाँ पानी,
हमारे ग्राम पंचायत को तकरीबन 20-25-30 साल हो गए, हमारे को पानी दो महीने में आ रहा। अभी हमारे बाजू का एक उदाहरण देता, अब्दी मंडी है, अब्दी मंडी के जो सरपंच अभी चुन के आए हुए हैं, 2-3 दिन पानी दे रहे और उसको खेत के हमारा दौलताबाद है, हमको 1.5-2 महीने के बाद पानी मिला। तो सबसे पहले पानी का मुद्दा हम हल करेंगे, उसके बाद जो है तो हमारे पास नाले, अगर हमारे बाहर के कभी लोग रिश्ता देखने को आए ना, नाले देख के हमारा कैंसर हो जाता, बच्चों को छोकरे दे रहे, अंदर बाहर से दिखता ऐतिहासिक दौलताबाद किला है, फोर्ट है, इसके नाम से ऐतिहासिक है, यहाँ बड़े बड़े नामचीन लोग आते, बाहर से दिखता बहुत भारी, अंदर जब जाके देखे तो रिश्ते नहीं हो रहे बच्चों को। इसको देखते हुए हमारे को कोई पार्टी यार ये हमको कोई खड़े रहने का शौक भी नहीं था, लेकिन एक नौजवानों का जज्बा, हमारे माँ बहनों को जब हमने परेशानी देखे पानी की, उसके वास्ते हम नौजवानों का जज्बा और हमारे पीछे जो खड़े हुए प्रमुख कलीम भैया ने बोले कि अब ये दौलताबाद में फेरबदल करो, तो हमको पूरी ताकत कलीम भैया की तरफ से मिली और हमारे नौजवानों में एक जज्बा है कि गाँव में कुछ परिवर्तन होना, इसलिए हमने हमारे पैनल का नाम भी सर्वधर्म संभव परिवर्तन पैनल रखे हुए। मैं मेरे पैनल की तरफ से मेरे दौलताबाद की आवाम को एक बोलना चाहता हूँ कि भाई आपने 25-30 साल जो अपना वोट डे के जो वाया करे वाया मत करो, पैनल टू पैनल जो है तो सरपंच सदस्य जो वार्ड में खड़े हुए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर हमारे पूरे पैनल है, पांचों वार्ड के अंदर पूरे बहुमत से सरपंच को भी निकालो और पैनल के लिए जो खड़े हुए अपने अध्यक्ष ये ग्राम पंचायत सदस्य के वास्ते में उसको भी पूरे बहुमत से आप निकालो।